अगर आपने आज से इंग्लिश सब्जेक्ट की पढ़ाई मेरे बताए हुए तरीके से चालू कर दी ना, तो आई कैन गारंटी यू दैट कि आप 85+ 90+ इजीली स्कोर कर लोगे अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। सो हाई एवरीवन, दिस साइड सुहान भैया, और आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं आपके इंग्लिश के सब्जेक्ट का। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से सेक्शन को किस तरह से प्रिपेयर करना है विद पेपर पैटर्न, और जो आपके पोएम्स के अप्रिसिएशन है उन्हें किस तरह से याद रखना है और कैसे लिखना है। साथ में जो ग्रामर है उसको किस तरह से प्रैक्टिस करना है ताकि आप 10/10 स्कोर कर सको अपने लैंग्वेज स्टडीज के सेक्शन के अंदर, एज वेल एज आपके जो राइटिंग स्किल्स हैं उनको आपको किस तरह से प्रैक्टिस करना है, और सबसे मेन कौन सी बुक यूज करनी है इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, मेक श्योर आप पेन और पेपर अपने साथ में लेके बैठ रहे हो। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाओ, क्योंकि क्लास 10th के लिए इसी टाइप के अमेजिंग वीडियोस फ्यूचर में भी आने वाले हैं। अब देखो, आपका जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है वो टोटल 100 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, उसमें से 80 मार्क्स के लिए राइटिंग पेपर होता है और 20 मार्क्स के इंटरनल्स होते हैं। अब इंटरनल्स के अंदर आउट ऑफ मार्क्स कैसे स्कोर करना है वो मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताने वाला हूँ, बट आज हम फोकस करने वाले हैं 80 मार्क्स के रिटन पेपर के ऊपर। ये जो 80 मार्क्स है ये आपके हाथ के मार्क्स हैं, और इन 80 मार्क्स में से आप मैक्सिमम किस तरह से स्कोर कर सकते हो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। अब देखो, जो आपका 80 मार्क्स का पेपर है वो टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। अब ये जो सेक्शंस हैं मैं आपको एक एक करके हर एक सेक्शन बताऊंगा, और आपको उस सेक्शन को किस तरह से प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सो मेक श्योर आपका सारा ध्यान मेरे पास है। अब जो आपका सेक्शन नंबर 1 है, दैट इज लैंग्वेज स्टडीज, ये टोटल 10 मार्क्स के लिए आता है, जिसमें से आपको ग्रामर के लिए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिंपल, थोड़े टफ और फिर एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चंस 10 मार्क्स के लिए आते हैं। अब ये जो लैंग्वेज स्टडीज का सेक्शन है उसे प्रिपेयर कैसे करना है, कौन सी बुक सबसे बेस्ट होगी प्रिपेरेशन के लिए, तो देखो जो बुक सबसे बेस्ट होने वाली है मेरे हिसाब से, दैट इज नमनी 21 सेट्स, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। और देखो, मैंने खुद ने भी नमनी 21 सेट ही यूज किया था मेरे इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि उसके अंदर सिंपल लैंग्वेज होती है जिससे आप एप्रिसिएशन को भी लर्न कर सकते हो। एप्रिसिएशन के ऊपर हम लोग आगे जाके बात करने वाले हैं, बट अभी आप सेक्शन नंबर 1 के लिए लैंग्वेज स्टडीज के लिए एक चीज याद रखो, ये टोटल 10 मार्क्स के लिए आएगा, और ये जो 10 मार्क्स है ये आपके हाथ के मार्क्स है, कीप प्रैक्टिसिंग। साथ में आपके जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मतलब जो पहले के साल में पूछे गए क्वेश्चंस, आपको उन्हें प्रैक्टिस करना है कि कितने डिफिकल्टी लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, साथ में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को एकदम अच्छे से फॉलो करते हो फिर तो आपके 10/10 कन्फर्म है। अब हम बात करते हैं सेकंड सेक्शन की, दैट इज टेक्सचुअल पैसेजेस। ट्रस्ट मी गाइस, एक पॉइंट जो कि आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा टेक्सचुअल पैसेजेस के अंदर अच्छे मार्क्स लाने के लिए, दैट इज टेक्स्ट बुक रीडिंग। आप लोग आज से ही टेक्स्ट बुक रीडिंग को एक हैबिट बना लो। व्हाई? बिकॉज एग्जाम्स के अंदर आपको एक पैराग्राफ देते हैं और उस पैराग्राफ पे से आपको आंसर्स लिखने होते हैं। अगर आपने यूनिट टेस्ट दिया होगा तो उसके अंदर भी सेम फॉर्मेट था। बाय द वे, यूनिट टेस्ट की एग्जाम हुई या नहीं? अगर हो गई तो कैसे गई कमेंट करो, अगर नहीं हुई कब से है वो कमेंट करो, और यूनिट टेस्ट के लिए अलग से एक वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हो। बट हम लोग बात करते हैं मुद्दे की, दैट इज टेक्स्टुअल पैसेजेस। और देखो, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये एकदम सिंपल सेक्शन है। आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर से जो पैराग्राफ है उसके ऊपर से क्वेश्चन आएंगे, एज वेल एज ग्रामर वोकैबुलरी पे थोड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे, और सेल्फ रिस्पॉन्स के क्वेश्चन आएंगे। एकदम सिंपल है, एकदम हाथ के मार्क्स हैं, अगर आप एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। और टेक्स्ट बुक रीडिंग से एक और फायदा होगा, आपको कम टाइम लगेगा ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और आगे जाके जब आप राइटिंग स्किल वगैरह लिखोगे ना आपको ज्यादा टाइम मिलेगा वो वाले सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। अब हम बात करते हैं थर्ड सेक्शन की, दैट इज पोएट्री। लेकिन उससे पहले वीडियो अगर आपको अभी तक अच्छा लग रहा है, मेक श्योर आप लाइक का बटन दबा रहे हो, 50 लाइक्स का एम है। पोएट्री के अंदर आप किस तरह से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, आपका जो पोएट्री का सेक्शन है वो टोटल 10 मार्क्स के लिए आता है, जिसमें से 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आंसर आएंगे और 5 मार्क्स के लिए एप्रिसिएशन आएगा। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आंसर है वो आप किस तरह से अच्छे से स्कोर कर पाओगे, उसके लिए जो मेन पॉइंट है दैट इज आपको पोएम्स को समझना होगा। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप पोएम्स को समझ रहे हो, उनके जो लाइंस हैं उनके मीनिंग्स को समझ रहे हो, फिर तो आप एकदम अच्छे मार्क्स डेफिनेटली सॉल्व करने वाले हो, एज वेल एज एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन को कैसे याद रखना है, अब देखो एप्रिसिएशन में कुछ ज्यादा होता नहीं है, आपको टाइटल लिखना है, पोएट का नेम लिखना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है, फिगर ऑफ स्पीच लिखनी है, राइमिंग स्कीम होगी तो वो लिखनी है, जो कि आप इजीली लिख लोगे अगर आपने पोएम को अच्छे से समझा है, और अगर आप 21 सेट के एप्रिसिएशन को अच्छे से करके जा रहे हो। बाय द वे, वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है नवनी 21 सेट से, बट मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 4 की, दैट इज नॉन टेक्स्टुअल पैसेज। अब ये जो सेक्शन है ये टोटल 15 मार्क्स के लिए आता है, और इसी सेक्शन का एक और नाम है अनसीन पैसेज, मतलब कोई एक ऐसा पैसेज देंगे जो कि आपने नहीं पढ़ा है
उसके ऊपर से आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने होंगे और उसी पैसेज की आपको समरी लिखनी होगी 5 मार्क्स के लिए। तो देखो एकदम सिंपल पॉइंट है, आपको पैसेज को समझना है, उसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको लिखना है और समरी लिखनी है। अब समरी कैसे लिखनी है, समरी के अंदर आउट ऑफ मार्क्स कैसे स्कोर करना है, उसके लिए अलग से एक वीडियो आएगा, मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हो। एज वेल एज अगर आपने रीडिंग प्रैक्टिस की है, आप ये वाले सेक्शन के अंदर अच्छे मार्क्स डेफिनेटली स्कोर कर लोगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, दैट इज सेक्शन नंबर 5 राइटिंग स्किल्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके पूरे पेपर के अंदर। व्हाई? बिकॉज ये वाला सेक्शन पूरे 25 मार्क्स के लिए आता है। तो देखो राइटिंग स्किल को कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जो राइटिंग स्किल्स हैं, मेक श्योर वन थिंग, आपके दिमाग में फॉर्मेट क्लियर हो। फॉर्मेट क्या है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे फोटो आ गई होगी। और देखो वैसे तो राइटिंग स्किल के ऊपर अलग से एक डिटेल में वीडियो आने वाली है, बट अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊं, इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं। आपको हर एक राइटिंग स्किल के टॉपिक में ऑप्शन रहता है, जैसे कि नॉन वर्बल टू वर्बल, वर्बल टू नॉन वर्बल, या फिर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ही जो बी सेक्शन है, स्पीच राइटिंग या फिर व्यू काउंटरव्यू, या तो आप स्पीच लिख लो या फिर व्यू काउंटरव्यू लिख लो। आपको जो सेक्शन नंबर 6 है क्रिएटिव राइटिंग, पता नहीं उसको अलग से क्यों डाला है, बट वो सेम ही है, जहाँ पे आता है एक्सपेंशन ऑफ थीम या फिर न्यूज रिपोर्ट, या तो आप एक्सपेंशन ऑफ थीम लिख लो या फिर न्यूज रिपोर्ट लिख लो। और उसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन होता है, दैट इज डेवलपर स्टोरी नरेट एंड एक्सपीरियंस, जो कि एकदम सिंपल होता है, जो कि अपन बचपन से करके आए हैं। या तो आपको डेवलप करनी है कोई स्टोरी को, या फिर आपका कोई जो एक्सपीरियंस है, इमेजिनरी एक्सपीरियंस है, आपको उसे नरेट करना है। और हर एक राइटिंग स्किल का टॉपिक 5 मार्क्स के लिए है। यहाँ पे हिंदी या फिर मराठी जैसा नहीं है कम ज्यादा वेटेज, सबका वेटेज सेम है। आपका जो टाइम मैनेजमेंट है इंग्लिश के पेपर के अंदर वो एकदम ऑप्टिमम होना चाहिए। ऑप्टिमम मतलब एकदम अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे अपने भैया की तरह। मैंने खुद ने 85 प्लस स्कोर किया था इंग्लिश के अंदर, बट आई वॉन्ट यू ऑल कि आप 90 प्लस का टारगेट रखो, तभी जाके आप 85 से ज्यादा स्कोर कर पाओगे, करोगे ना? यस गाइस, मैं आप सभी को एक चैलेंज देता हूँ, आप लोग मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, मैं आप सभी को एक चैलेंज देता हूँ कि आपको अपने भैया से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं इंग्लिश के अंदर। मैंने 86 स्कोर किया था, आपको 86 से ज्यादा कोई भी हालत में स्कोर करने हैं। अगर आप मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, अभी के अभी कमेंट करो यस चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं समझ जाऊंगा कौन कौन इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है और अपने क्लास 10th के इंग्लिश के पेपर के लिए सीरियस है। सीरियस होना, देखो भाई अपन दोनों साथ में मेहनत कर रहे हैं एकदम अच्छे मार्क्स लाने हैं पेपर के अंदर। सो यस गाइस, अगर आपने जो कुछ भी पढ़ा है आपको याद रखना है, ये वाली वीडियो को फॉलो करो, डेफिनेटली हेल्प होगी। टिल दैट टाइम शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय।